हे गाइज, वेलकम टू माय चैनल। गाइज आप देख रहे हैं अपना चैनल रेखा क्रिएशन। गाइज आज की वीडियो में हम सीखेंगे इस प्रकार की जो पीसे आती हैं 75 सेंटीमीटर की, और दोनों साइड जिसके बॉर्डर होते हैं उनमें हम 36 इंच चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग ब्लाउज की कटिंग कैसे करें परफेक्ट तरीके से, कि उसकी जो पैटर्न होता है बॉर्डर का वो हमको कहाँ कहाँ लेना होता है। अमूमन जो इनमें की पीसें आती हैं वो उनकी साइज छोटी होती है, अरज भी छोटी ही होती है, लेकिन इसमें पैटर्न इस प्रकार से बना होता है। अगर आपका कपड़ा प्लेन है तो आप कहीं से भी स्लीव वगैरह निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें आपको देख के पैटर्न के हिसाब से ही निकालना होता है। देखिए यहाँ पे जो अरज है ये 31 इंच की ही टोटल है, और जो इसकी लेंथ है ये दे रखा है 80 से 75 सेंटीमीटर के बीच में होगा, तो यहाँ पे 30.5 है, मतलब 75 सेंटीमीटर ही है। लेकिन अगर आपको इसमें 30, 32, 34 तक बनाना है साइज में तो आपको ईजिली बन जाती है, और ब्लाउज की लेंथ 12, 13 रखनी है तब भी ईजिली हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हमको ब्लाउज की लेंथ 14 इंच रखनी है और साइज भी 36 है। यहाँ पे दो बॉर्डर दे रखा है, एक बॉर्डर हम स्लीव में लेंगे, दूसरा हम लेंगे बैक पे। ब्लाउज की जो साइज है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमको 14 इंच रेडी रखना, चेस्ट की साइज 36 इंच है, कमर 33 इंच, स्लीव रेडी 4 इंच रखना, आगे का गला 6 इंच, पीछे का गला 10 इंच डीप होगा। इसी मेजरमेंट पर ब्लाउज हमको रेडी रखना, आप अपने साइज के अकॉर्डिंग रखना। तो हमने इस प्रकार से फोल्ड लिया, फोल्ड हमारा कितना होगा, 14 इंच रेडी है तो हम 1 इंच प्लस करके रखेंगे। ब्लाउज की लंबाई काफी ज्यादा है, साइड से हमको स्लीव भी दूसरे बॉर्डर में निकालनी है, तो हम इस प्रकार से इसको मैनेज करेंगे। यदि हमारी स्लीव ज्यादा छोटी होगी तो हम हल्का सा ब्लाउज की लेंथ छोटी करेंगे, हल्की सी स्लीव। तो यहाँ मैंने मैनेज किया तो मेरी स्लीव यहाँ पे आ जा रही है लगभग, और ब्लाउज का भी 14 इंच रेडी आ जा रहा है, पूरा प्रॉपर इतना ही आ रहा है। यहाँ पर हमको स्लीव में 1/2 इंच का ही फोल्ड लेना है आगे बॉटम में, या फिर पट्टी डाल के अलग से फोल्ड करना पड़ेगा। तो इसी पैटर्न पे हमको ये कट करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे 5 इंच स्लीव के छोड़ते हुए इस प्रकार से बॉर्डर के बराबर कट कर लेंगे। जो हमारा बॉर्डर वाला पार्ट है वो बैक पार्ट होगा, तो यहाँ पे मैं बी लिख दे रही हूँ। ये अंदर के साइड इस प्रकार से फोल्ड हो जाएगा, और ये फोल्ड हमारा चेस्ट का कितना होगा, चेस्ट का 1/4 भाग प्लस में 2 इंच मार्जिन, 36 का 1/4 भाग 9 इंच प्लस में 2 इंच, 11 इंच का ये हमने फोल्ड लिया, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए। तीरा हमने यहाँ पे रखा बंद वाली साइड से 5.5 इंच का, क्योंकि ये गला हमारा बहुत ज़्यादा डीप होगा। गले की जो चौड़ाई हमने रखी है 2.25 इंच की रखी है इस प्रकार से, और 36 इंच चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग हमने आर्महोल की साइज 6 इंच की रखी है, और इसको हम इस प्रकार से यहाँ से देख लेंगे। गले की साइड से आर्महोल की लाइन हमको यहाँ पे सीधा रखना है। आगे का जो गला है वो हम 6 इंच का लेंगे। नीचे से गले की जो चौड़ाई रखेंगे वो हम थोड़ा सा ब्रॉड रखेंगे, यहाँ पे हम 2.75 रख सकते हैं, मैं यहाँ पे 2.5 इंच का रखी हूँ। और इस प्रकार से हम इसको बॉक्स कंप्लीट करेंगे आर्म होल का और नेक का। यहाँ पर हम दोनों पार्ट साथ ही कट कर रहे हैं, आगे और पीछे का, तो हम आर्म होल में 2 गोलाई अलग अलग देंगे, एक आगे वाले पार्ट के लिए एक पीछे वाले पार्ट के लिए। कोने से हम इस प्रकार से 1.5 इंच पे एक मार्क लगाएंगे, और एक दूसरा मार्क हम 1 इंच पे लगाएंगे। आगे वाला पार्ट हमको 1/2 इंच इस प्रकार से डाउन करना होता है, तो अभी मैं निशान लगा ले रही हूँ, लेकिन कटिंग हम बाद में करेंगे, पहले हम सारा जो पैटर्न कट करेंगे पीछे वाले पार्ट का कट करेंगे। तो ये 1/2 इंच हम डाउन करते हैं आगे वाले पार्ट में आर्म होल को। तो अब यहाँ से ये हमारा देखिए 1 इंच होगा इस प्रकार से, मतलब दोनों आर्म होल के बीच में हमको 1/4 इंच की गैपिंग होनी चाहिए आगे और पीछे वाले में। तो यहाँ से हम दूरी को देखेंगे पीछे वाले आर्म होल के लिए, तो यहाँ पे हमने 1/2 किया, और जो 1/2 है उसी को टच करते हुए हम पीछे वाले आर्म होल का इस प्रकार से शेप दे देंगे। और फ्रंट जो आर्म होल होगा वो हमारा बहुत ज़्यादा करीब से होगा इस प्रकार से, देखिए नीचे से। तो ये दोनों आर्म होल मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी कहीं डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आगे के गले में हमने राउंड नेक दे दिया है, अब हम चेस्ट लाइन रखेंगे, चेस्ट का 1/4 भाग 9 इंच और प्लस में 2 इंच का मार्जिन आगे है। और कमर का जो हम रखेंगे उसमें हमको 1 इंच जो प्लेटें डलती हैं उसका ऐड करके रखना है, कमर का 1/4 भाग प्लस में 1 इंच और ऐड करके रखेंगे। तो ये हमारी कटिंग की लाइन है, और अंदर वाली जो है उस पर हम स्टिच करेंगे, फिटिंग के लिए निशान लगाए हैं। अब हम ऊपर से 9.5 इंच पे एक मार्क लगाएंगे यहाँ से,
और गले की साइड से इसको हम 4.25 इंच भी इस प्रकार से रखेंगे, और इसी 4.25 इंच के जो टेक्स्ट है वहाँ से हमको 1.5 इंच चारों टेक्स्ट को डाउन कर देना, जैसा कि आप देख रहे हैं कमर की साइड में एक टेक्स्ट हमारा 3.5-4 इंच के बीच में ऊपर पे रहेगा। मेरे बोलने में थोड़ा सा भले इधर उधर हो जा रहा है, लेकिन आप लोग देखिए, वीडियो को देख के ज़्यादा सीख सकते हैं। सारे टेक्स्ट हमने जो मेन टेक्स्ट लगाया उसे 1.5-1.5 इंच माइनस कर दिया है। ये हमारा आगे का पैटर्न जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम इस पैटर्न पे कट कर लेंगे। सबसे पहले हम नेक पे एक छोटा सा कट लगा देंगे, उसके बाद हम आर्म होल के बाहर वाला जो आर्म होल है उसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा बैक आर्म होल है पीछे वाला, तो इसकी हम कटिंग कर लेंगे। और टेक्स्ट पॉइंट पे हम छोटे से कट लगा देंगे, चेस्ट पे छोटा सा कट लगा देंगे और कमर लाइन पे इस प्रकार से हम कट लगा देंगे। और यहाँ पे हम दोनों पार्ट को अलग करेंगे। सबसे पहले हम शोल्डर को अलग करेंगे यहाँ से। अब पीछे वाला पार्ट जो हमारा बॉर्डर वाला है उसको हम अलग निकाल देंगे। ये हमारा पीछे वाला पार्ट है जो बॉर्डर वाला है, तो ये हमने अलग रख दिया। चेंज हमको आगे वाले पार्ट में कहाँ करना है और पीछे वाले में कहाँ करना है सारा मैं अभी क्लियर करूँगी। तो यहाँ पे हमें टेक्स्ट पॉइंट जो दिख रहे हैं उसको हमने कटिंग सीधी साइड से किया है, तो हम उल्टी साइड से पूरी टेक्स्ट इस प्रकार से कंप्लीट करके इस प्रकार से फोल्ड कर लेंगे, तो दोनों साइड ये हमारा निशान आ जाएगा, क्योंकि जब हम स्टिच करेंगे तो हमको उल्टी साइड से ही स्टिच लगानी होगी। तो इस प्रकार से हम थोड़ा सा प्रेस कर देने हैं, ये सारा निशान हमारा प्रॉपर आ जाएगा। अब हम यहाँ पे चेंज कहाँ करेंगे, जैसे हम यहाँ से नेक को हटा देंगे, आर्म होल के मार्क पर हम डाउन इस प्रकार से कट ले लेंगे और यहाँ से दोनों पार्ट को हम अलग कर देंगे। ये हमारा आगे वाला पैटर्न कंप्लीट हो गया है। और ये जो स्टिचिंग वाली लाइन है यहाँ पे हम प्रॉपर निशान लगा दे रहे हैं, जैसे हम स्टिच करते तो हमको फिर से दोबारा इंची टेप उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सारे टेक्स्ट पॉइंट हमको दिखते हैं। तो ये हमारा आगे वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। और बैक पार्ट में हमको कहाँ चेंज करना है, बैक पार्ट में हमको प्लेट का निशान लगाना है और जो फिटिंग का निशान है वो लगाएंगे, और हम नेक को डीप करेंगे। नेक हमारा कितना डीप है, 10 इंच डीप करना है, तो हम इस प्रकार से फिर से फोल्ड लेंगे। नेक की चौड़ाई हमने कितनी रखी थी वही हमारी रहेगी। टेक्स्ट पॉइंट को हम इस प्रकार से कंप्लीट करेंगे। चौड़ाई हमने रखा था 2.25 इंच का। 2.25 इंच हमने क्यों रखा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप नेक होता है तो शोल्डर गिरने के चांस ज़्यादा होते हैं, इसलिए हमने गले की ब्रॉडनेस जो ऊपर से है उसको हमने थोड़ा कम रखा है। नीचे से हमने बराबर 2.5 इंच ही लिया है। इस प्रकार से हमने राउंड शेप यहाँ देख के इसकी हम कटिंग कर लेंगे। आप किसी अदर शेप में अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही है। अगर वीडियो में कहीं पर डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम सारे कमेंट रीड करते हैं और उनके रिप्लाई भी देते हैं। आप सभी व्यूअर्स से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, वीडियो देखने के बाद रिस्पॉन्स जरूर दिया करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव के लिए हमने जो फैब्रिक रखा है ये फिर भी हमारा जो चौड़ाई है उसमें कम है। लंबाई तो हमने बराबर रखी है लेकिन चौड़ाई में कम है, तो हम यहाँ पे एक स्लीव पहले कट कर लेंगे जो भी साइज है। चौड़ाई हमारा जो रखना है वो चेस्ट का 1/4 भाग ही रखना है। 9.5 इंच की हमने स्लीव रखा, ऊपर से हमने 2.5 इंच का डाउन मार्क इस प्रकार से लगाया। आर्म होल की गुलाई यहाँ पे हमने दिया है 7 इंच हाफ रखा आर्म होल का, उसमें प्लस में 2 इंच का मार्जिन रखा है। इस प्रकार से आर्म होल डाउन करके और मुद्दे की साइज रखेंगे और स्लीव की कटिंग हम कर लेंगे। स्लीव की कटिंग में आपको अगर प्रॉब्लम आती है, छोटी स्लीव, एल्बो स्लीव, लॉन्ग स्लीव कैसे कट करते हैं, तो हमारे चैनल पे आपको बहुत ही डिटेल में इसकी वीडियो मिल जाएगी। सभी साइज की स्लीव और स्लीव की हर साइज, हर चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग कितनी चौड़ाई रखनी है कि आपके आर्म होल में परफेक्ट साइज स्लीव की आए, आप उस वीडियो को देखने के बाद फिर आपको स्लीव में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर हमने जो दूसरी स्लीव के लिए फैब्रिक लिया वो देखिए बहुत कम है, हाफ से भी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हमने इस प्रकार से फोल्ड कर लिया। और जो पीछे वाले पार्ट के बॉर्डर में से ये बॉर्डर हमारा बचा है, इसको हम यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। और आपको ध्यान रखना है कि ये स्लीव, ज्वाइंट वाली स्लीव हम पल्लू वाली साइड पे हमेशा अटैच करते हैं। जो आपकी सेफ स्लीव है, मतलब विदाउट ज्वाइंट है, उसको हम रखेंगे ओपन वाली साइड में, जिसमें जोड़ आया उसको हम पल्लू वाली साइड में अटैच करेंगे। तो इस प्रकार से हम इसको जोड़ डाल के बनाएंगे। तो ये हमारे सारे पैटर्न यहाँ पे कट हो गए, आगे के, पीछे के और स्लीव के।
और ये जो गले में से पट्टी निकली इसको हम आई वाली पट्टी के लिए रखेंगे। यहाँ से हमने दो आगे वाले गले का जो पैटर्न है इसमें से हम पिच बटन की पट्टी रखेंगे और ये पट्टी हम निकालेंगे हुक वाली पट्टी के लिए आर्म होल में से। और जो फैब्रिक बचा है यहाँ से हम पाइपिंग वगैरह निकालेंगे और लंबी लंबी पट्टियाँ जैसे कमर की पट्टी के लिए यहाँ पे हमको तीनों पट्टियाँ लगाने आगे पीछे सारा। तो यहाँ हम सबसे पहले गले की पट्टी निकालेंगे तो और ये भी कपड़ा हम इस प्रकार से देख लेंगे और तीन पट्टियाँ मैंने एक एक इंच की इस प्रकार से निकाल ली हूँ। पाइपिंग की कटिंग किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से अटैच करते हैं, कैसे उस पर स्टिच करें, सारी प्रॉपर मेरे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी, आप उसमें डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पे हमने तीन कमर पट्टी इस प्रकार से निकाल ली डेढ़ डेढ़ इंच की और ये हमारा फाइनल ब्लाउज का कटिंग जो है कंप्लीट हो गई है। ये सारी पट्टियाँ हो गई हैं, पट्टियों को कैसे अटैच करना है, कैसे लगाना है, सारा मैं ए टू जेड ब्लाउज की स्टिचिंग आप लोगों के साथ पार्ट टू में शेयर करूँगी क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसको प्रॉपर तरीके से कैसे स्टिच करना है, कैसे हुक हाई की पट्टी लगाना है, कैसे कमर पट्टी लगाना है, गले की गोलाई बाद में कैसे देनी है, सारा मैं ए टू जेड आपको बताऊंगी, इसके लिए पार्ट टू लेके आऊंगी। तो ये हमारा देखिए पैटर्न सारा स्लीव आगे का पीछे का सारा ये बॉर्डर वाला आ गया, स्लीव पे बॉर्डर रहेगा और बैक पार्ट पे बॉर्डर रहेगा, आगे का पार्ट आपका कुछ इस प्रकार से रहेगा। सारे पैटर्न आपको इसके प्रिंट के अकॉर्डिंग रखना है, देखिए इस प्रकार से हमने रखा है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट पॉइंट आपको कैसे लगाना है, टेक्स्ट पॉइंट नीचे का जो होगा वो हम थोड़ा सा चौड़ा रखेंगे, नीचे का टेक्स्ट पॉइंट जब हम चौड़ा रखते हैं तो हमारे जो वेस्ट का जो फुलान होता है जो कटोरी बनती है वो अच्छी सी बनती है। और यहाँ आर्म होल और कमर वाला हम थोड़ा सा पतला रखेंगे। ये सारी चीज़ें मैं स्टिच करते टाइम आपके साथ शेयर करूँगी। और फाइनली ये ब्लाउज का फाइनल लुक है, स्टिच होने के बाद ये हमारा फ्रंट पार्ट आ गया इस प्रकार से आएगा और इसका बैक पार्ट भी कुछ इस प्रकार से आएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। देखिए इसमें पाइपिंग कितनी अच्छी सी उभर के आई है प्यारी सी, और सारा ए टू जेड में स्टिचिंग वाले वीडियो में आपको बताऊँगी कि कैसे पाइपिंग अटैच करना है, कैसे खींचना है, कैसे लगाना है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब हम फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।